राम राम कोडिस। तो आज का एक क्वेश्चन हमने हैशिंग के प्लेलिस्ट में इस तरीके के क्वेश्चन कवर किया है, बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना था। आई गेस कि प्रॉब्लम में कुछ है नहीं, लॉजिक तो डिटेक्ट करना कोई भी टफ चीज नहीं है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको तीन चीज दिए रहेंगे, एन के एन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स। ठीक है, और ये जो एन इंटीजर्स होंगे वो भी आपके शुरुआत के एन इंटीजर्स ही होंगे, वन से लेके एन तक के सारे इंटीजर्स होंगे। बस एक चीज है कि इसमें जो परम्यूटेशन होगा वो वन से एन तक ही नंबर होंगे, एन तक ही नंबर होंगे, पर ये किसी भी परम्यूटेशन में हो सकते हैं। ठीक है, एन से लेके वन भी हो सकते हैं या किसी भी रैंडम परम्यूटेशन में हो सकते हैं। आपको क्या बताना है कि आपको शुरुआत के इंटीजर्स का सम मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स कितना करना होगा ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगर आपको शुरुआत के इंटीजर्स का सम आपको मिनिमाइज करना है तो वो कैसे होगा? तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका कि शुरुआत के जो के इंटीजर्स हैं वो एक्चुअल के 1 to k इंटीजर्स जो भी हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो बस क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आप इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं ये क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आएगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं एक मेरे पास परम्यूटेशन है 1 3 5 4 2। ठीक है, एन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया 5 और के का वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं 3। शुरुआत के 3 इंटीजर्स का सम मुझे मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहूंगा कि शुरुआत के जो 3 इंटीजर्स हैं वो मेरे 1 2 3 मतलब शुरुआत के 3 इंटीजर्स ही हों। ठीक है, तो शुरुआत के 3 इंटीजर्स जो हैं वो मेरे इस एरे के वो होने चाहिए 1 2 3। ठीक है, इसको मैं किसी मैप में स्टोर कर लूंगा, मतलब हैश मैप सेट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप मैप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। तो आपको क्या बताना है कि मिनिमम नंबर स्वैप्स कितना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस एरे में इटरेट करना चालू करेंगे। 1 पे गए, 1 इस हैश मैप में, मतलब 1 होना चाहिए था हमारे पास, 1 है हमारे पास। 3 पे गए, 3 भी होना चाहिए था हमारे पास, है हमारे पास। 5 5 तो हमारे पास मतलब जरूरत नहीं है हमको 5 का, छोड़ दो। ठीक है, शुरुआत के इंटीजर्स तक हमने जब इटरेट किया तो हमारा बस एक जो टारगेट है वो मिस हो गया, मतलब हमें 2 भी चाहिए था पर 2 के जगह पे यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर आपको एक स्वैप करना पड़ेगा और वो स्वैप होगा 5 और 2 का। और उसके स्वैप के बाद आपका जो परमुटेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 3 2 4 5। ठीक है, अब शुरुआत के जो के इंटीजर्स का सम है वो आएगा आपका 6। ठीक है, एंड दैट इज द मिनिमम पॉसिबल, कि क्योंकि शुरुआत के 3 इंटीजर्स का सम आप कभी भी 6 से छोटा नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड कि सारे इंटीजर्स आपके यूनिक है। ठीक है, अब आप अगर इसको जबरदस्ती चाहो तो एक और स्वैप कर सकते हो, इसको आप कर दो 1 2 3। ठीक है, पर आपको मिनिमम स्वैप्स पूछ रहा है। ठीक है, ये किसी भी ऑर्डर में है उससे आपको मतलब नहीं है, शुरुआत के जो 3 इंटीजर्स हैं वो आपके 3 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए यूनिक। ठीक है, तो बस जैसा क्वेश्चन में बोला था उसी तरीके से हमने काम किया और आंसर हमारा आ गया। अब इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, एक क्वेश्चन का टेस्ट केस देख लेते हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग खुद से इस कोड को लिखें। ठीक है, ये हैशिंग के प्लेलिस्ट को आप हमारे फॉलो कर सकते हैं अगर आपको हैशिंग में दिक्कत आता है तो, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, खुद से ही बनना चाहिए। ठीक है, 4 2 3 4 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या दिया हुआ, के का वैल्यू आपको दिया हुआ 2। ठीक है, तो शुरुआत के 2 इंटीजर्स आपके होने चाहिए शुरुआत के 2 पोजिशन पे इस एरे के। तो शुरुआत के 2 इंटीजर्स आपके कौन कौन से हैं उसको आप सेट में एक स्टोर कर लो 1 2। ठीक है, अब आप शुरुआत के इंटीजर्स जो एरे के हैं जो परम्यूटेशन आपको दिया हो उसमें आप इटरेट करो, 3 नॉट देयर आगे बढ़ो, 4 नॉट देयर आगे बढ़ो। ठीक है, शुरुआत के इंटीजर्स पे आपने इटरेट कर लिया, आपको 1 और 2 चाहिए था, दोनों में से कुछ भी नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एटमिन 2 स्वैप्स तो करने ही पड़ेंगे, तो आंसर विल बी 2। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे बढ़ जाए 3 3 1 2 3 वाले एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पर के का वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको शुरुआत के 3 इंटीजर्स चाहिए। ठीक है, तब आपका शुरुआत का के इंटीजर्स का सम मिनिमम होगा। तो यहाँ पर अपन इटरेट करेंगे, 1 मिला, ठीक है, एरे में मिला, सेट में भी है, मतलब 1 का जरूरत था हमें, 1 मिल गया है, 2 का जरूरत था हमें, 2 भी मिल गया, हटा दो, 3 का जरूरत था, 3 भी मिल गया हमें, हटा दो,
ठीक है, और मतलब जब आपके एलिमेंट्स को आप इटरेट करके, तो आपने देखा कि आपको जो भी सेट में आपने टारगेट सेट किया था कि मुझे ये तीन एलिमेंट्स चाहिए, वो तीनों के तीनों एलिमेंट्स आपको मिल गए हैं, तो आपको स्वैप्स कितना करना पड़ेगा? जीरो। ठीक है, तो बस यही एक छोटा सा लॉजिक है, और अगर आप इसको खुद से कोड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने इसको किस तरीके से कोड किया एक बार मैं वो दिखा देता हूँ, हालांकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आई वुड सजेस्ट यू ऑल टू गो दैट वे ओनली, ठीक है, क्योंकि जल्दी एक्सेप्ट कराना रहता है तो कुछ भी उटपटांग लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि जो एन के और ए इंटीजर्स, शुरुआत के एन इंटीजर्स जो भी आपको दिए परमुटेशन, उनका मैंने स्टोर कर लिया। उसके बाद फिर मैंने उसको एक अलग वेक्टर में स्टोर कर लिया, उसको सॉर्ट कर लिया। बेसिकली मैं चाहता था कि शुरुआत के इंटीजर्स को मैं मतलब मेरे पास होने चाहिए, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं था आपको अलग से स्टोर करने का। आप सीधा सीधा सेट में 1 से लेके k तक के सारे इंटीजर्स को डाल देते, वो सॉर्टेड फॉर्म में ही आता, 1, 2, 3, ठीक है, वो सॉर्टेड फॉर्म में ही आता। अब आप क्या करेंगे कि शुरुआत के इंटीजर्स पे इटरेट करेंगे एरे के, ठीक है, और जैसे यही वाला एग्जाम्पल ले लेते, 1, 3, 5, 4, 2। अब आप चेक करेंगे कि ये जो इंटीजर है आपका एरे का, वो आपके सेट में है कि नहीं, आपको चाहिए कि नहीं। ठीक है, अगर चाहिए तो ठीक है, आप उसको मार्क कर लीजिए कि आपको चाहिए तो आपको मिल गया, 3 आपको चाहिए तो आपको मिल गया, ठीक है, 5 आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो मिल गया नहीं मिल गया उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, अगर जो आपका रिक्वायरमेंट था वो आपको मिल जाता तो आप उसको इरेज कर देते। अब आप जब पूरा इटरेशन कर चुके कि इंटीजर्स तक, तो आपका जो रिक्वायरमेंट वाला लिस्ट था उसमें जितने इंटीजर बच गए आपको उतना बार स्वैप करना पड़ेगा, तो आपका सेट में जितना भी आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स है, दैट विल बी योर आंसर, कि आपको इतनी बार मिनिमम स्वैप करना पड़ेगा। वेल, आज का दूसरा सवाल, यहाँ पर आपको एन इंटीजर्स दिए होंगे, ठीक है, सॉरी, आपको एक इंटीजर दिया होगा एन, आपको 1 से लेके n तक के नंबर्स का परमुटेशन निकालना है, कोई भी परमुटेशन, सच दैट एलसीएम ऑफ 1 एंड आपके परमुटेशन का फर्स्ट नंबर, एलसीएम ऑफ 2 एंड आपके परमुटेशन का सेकेंड नंबर, इसी तरीके से आगे चलते जाएं, एलसीएम ऑफ एन और आपके परमुटेशन का nth नंबर, इन सब का जो सम होगा वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। ठीक है, तो आपको एलसीएम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, एलसीएम को मैक्सिमाइज करना है, तो एलसीएम क्या हो सकता है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज द लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 2 इंटीजर्स ए एंड बी इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो ये मैक्सिमम क्या हो सकता है? मैक्सिमम इसका वैल्यू हो सकता है ए इंटू बी, और ये कब होगा? जब ए और बी आपस में को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम का मतलब क्या होता है? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 15, 16, ठीक है, ना ही 15 प्राइम है ना ही 16 प्राइम है, पर 15 और 16 आपस में को प्राइम है, मतलब दे डोंट शेयर अ कॉमन फैक्टर। इसमें इसके फैक्टर्स हैं 3 और 5, इसके फैक्टर हैं 2, ठीक है, तो अगर आपको इसमें एलसीएम निकालना होगा तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, उससे छोटा आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं मिल सकता। ठीक है, उससे छोटा आपको मल्टीपल नहीं मिल सकता, तो आपको ए इंटू बी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से एक चीज तो क्लियर है कि अगर मुझे एलसीएम इंक्रीज करना है तो मैं इन दोनों के को प्राइम नंबर्स को पास करूंगा, सच दैट कि मेरा एलसीएम जो है उन लोग दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू किसी और चीज से, जैसे कि अगर मान लेते हैं 16 और 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये एलसीएम इधर से क्या निकल के आएगा? आपका 2 टू द पावर 4 इंटू 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 80। ठीक है, और अगर यही मैं को प्राइम नंबर लेता, जैसे 16 के साथ मैं अगर सिर्फ 17 लेता, तो इन दोनों का एलसीएम क्या निकल के आता? 16 इंटू 17। ठीक है, तो अगर मुझे एलसीएम को बढ़ाना है तो मुझे क्या नंबर, कैसे नंबर लेने होंगे? मुझे को प्राइम नंबर लेने होंगे। ठीक है, अब को प्राइम नंबर मैं कैसे चुनूं? जैसे कि 16 और 25 भी आपस में को प्राइम है, ठीक है, 15 और 16 भी आपस में को प्राइम नंबर है, 16 और 17 भी आपस में को प्राइम नंबर है, तो मैं कौन से को प्राइम नंबर को चुनूं? ठीक है, तो एक बात आपको पता होना चाहिए कि कोई भी दो एडजेसेंट अगर एलिमेंट होते हैं तो वो आपस में हमेशा को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने? अब कोई भी दो एडजेसेंट नंबर ले लें, 2, 3 को प्राइम, ठीक है, हालांकि ये दोनों आपस में भी प्राइम है, मतलब एक्चुअल में भी प्राइम है, 3, 4 को प्राइम,
8 9 को प्राइम, 7 8 को प्राइम, 9 10 को प्राइम, मतलब दे डोंट शेयर अ कॉमन फैक्टर। तो मुझे क्या करना होगा कि मैं हमेशा दो एडजेसेंट नंबर को ही आपस में एलसीएम लूंगा, क्योंकि वो दोनों आपस में को प्राइम होंगे और मेरा प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करके देंगे। ठीक है, तो अब जो नंबर है आपको यहाँ पर दिया हुआ वो तो फिक्स है, आपको एक नंबर दिया हुआ है 1 से लेके n तक, 1 2 3 n का वैल्यू पहले 5 मान लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक इवन के लिए भी मान लेते हैं, एक n का वैल्यू 5 दिया हुआ है, एक n का वैल्यू 4 दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, तो जब n का वैल्यू आपके पास 5 दिया हुआ है, तो आपके पास कौन कौन से इंटीजर्स का वैल्यू आपके पास है टू चूज, मतलब परम्यूटेशन बनाने के लिए, 1 से लेके 5 तक के जितने भी इंटीजर्स हैं उन सब से आप परम्यूटेशन बना सकते हो। तो यहाँ पर 5 के साथ हम कौन सा ऐसा नंबर इससे लार्जेस्ट को प्राइम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ 1 टू 5? ठीक है, 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं 4 के साथ। ठीक है, 4 इस्तेमाल हो गया, 4 का मल्टीप्लीकेशन हम लार्जेस्ट को प्राइम किससे कर सकते हैं, तो 5 से ही कर सकते हैं, हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन हम किससे कर सकते हैं लार्जेस्ट को प्राइम, तो अगर हम चाहते तो 3 इंटू 4 भी कर सकते थे, पर 4 तो ऑलरेडी 5 से मल्टीप्लाई हो चुका है। ठीक है, एंड 3 इंटू 4 क्या होता है, 12, और 5 इंटू 4 क्या हो रहा है, 20। तो ये ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, जितना बड़ा नंबर से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जितने बड़े दो आपस में बड़े नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 के साथ हम लार्जेस्ट को प्राइम कौन सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2, और 2 के साथ हम लार्जेस्ट कौन सा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3। ठीक है, और 1 के साथ तो 1 ही बच रहा है और कुछ बच नहीं रहा है, तो इस तरीके से हो गया। अब ये जो सम है दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल, इससे ज्यादा बड़ा आप सम नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो आप ब्रूट फोर्स से खुद से हाथ से दो चार अलग अलग परमुटेशन बना के देख सकते हैं, दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर वी कैन गेट। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर उसी तरीके से देखें तो ये क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास एरे में दो इंटीजर्स वैल्यू बचे 1 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 डाल देते हैं, यहाँ पर 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, एंड दिस इज द बेस्ट पॉसिबल आंसर वी कैन गेट। ठीक है, तो आपको परम्यूटेशन रिटर्न करना, तो अपन क्या कर देंगे कि जो भी आपका परम्यूटेशन होता है 1 से लेके n तक, 1 2 3 4 5, ठीक है, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, पेयर वाइज स्वैप ही तो कर रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ये हो गया पेयर वाइज स्वैप होके 5 4, ये क्या हो गया पेयर वाइज स्वैप होके 3 2, ये क्या हो गया 1। ठीक है, अगर इस एरे का बात करें तो ये पेयर वाइज स्वैप होके क्या हो गया 1 2 3 4 था आपका, 1 2 3 4, तो एंड के दो इंटीजर्स को स्वैप किया तो ये क्या हो गया 4 3, फिर नेक्स्ट टू इंटीजर्स को स्वैप किया ये हो गया 2 1 4 3, यही तो हो रहा है। ठीक है, दिस इज 2 1 4 3, दिस इज द आंसर। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 1 3 2 5 4, 1 3 2 5 4, दिस इज द आंसर। और हमने बात भी किया था कि अगर दो एडजेसेंट नंबर होंगे तो आपस में को प्राइम होंगे, तो 5 के साथ हम 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इन दिस वे विल गेट आवर आंसर। बस दो को प्राइम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखते हैं इसको मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है। तो मैंने सिंपल सिंपल क्या किया है कि आपको एन दिया हुआ है तो शुरुआत के एन इंटीजर्स को मैंने स्टोर कर लिया है, और फिर रिवर्स से चालू करते हुए मैंने क्या किया है कि आपस में सबको स्वैप कर दिया है। ठीक है, और आउटपुट करा दिया है, एज सिंपल एज दैट। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा क्यों किया है वो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ओके, तो इसके ये बाद अच्छा भी क्वेश्चन थी, काफी अच्छा क्वेश्चन था, एक इजी वे में था ये क्वेश्चन। ठीक है, एक बार क्वेश्चन क्विकली समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो आपको एक रैंडम एरे दे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ भी, आपको क्या करना है ना, आपको ऑपरेशन करना अलाउड है, क्या ऑपरेशन अलाउड है, आप कोई भी एक नंबर चूज कर सकते हैं, मान लो आप 2 चूज किए और उसको रिप्लेस करना है 0 से, मतलब इस एरे में जहां भी 2 है, यहाँ पे 2 है तो इसको 0 से रिप्लेस करो, अच्छा यहाँ पे 2 है इसको 0 से रिप्लेस करो, हो गया। तो ये आप एक ऑपरेशन किए, मान लो आप बोले भैया 4 चूज करना है, तो 4 जहाँ जहाँ है 4 को 0 से रिप्लेस करेंगे, दो ऑप्शन कर दिए, आप 1 चूज किए तो जहाँ जहाँ 1 है उसको 0 से रिप्लेस करो, 3 ऑप्शन हो गया। तो बेसिकली आपको ऑपरेशन करना है ऑन दिस एरे, एंड आपका टारगेट ये है कि एरे शॉर्टेड हो जाए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं,
बस स्ट्रिक्टली मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5, दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 2 2 3, दिस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, यू वांट टू मेक दिस अरे इंक्रीजिंग एट द एंड, दैट्स योर टारगेट। तो आपको बताना है कितना मिनिमम ऑपरेशन करोगे टू अचीव दिस टारगेट। मैक्सिमम तो क्या है, जितना एलिमेंट है व्हाटएवर ऑपरेशन कर सकते हो, मैक्सिमम तो यही करोगे ना। मानो कितना एलिमेंट है इसमें, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो मैक्सिमम 5 ऑपरेशन करोगे, मतलब 1 को जितना जहां जहां 1 है वहां 0 पुट कर दोगे, जहां जहां 2 है सब मतलब सबको ओवरऑल 0 कर दोगे, राइट, दैट्स मैक्सिमम यू कैन डू। तो ये शॉर्टेड एरे है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट, तो दिस इज अ मैक्सिमम ऑपरेशन, बट आपको मिनिमम ऑपरेशन बताना है। मैक्सिमम तो जितना एलिमेंट यूनिक होता हो जाएगा, राइट, ठीक है, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताना है टू मेक दिस एरे अ शॉर्टेड एरे, राइट, ठीक है। अब आप प्रैक्टिकली सोचिए, जो फाइनल एरे आपका होगा जो भी, उसका लास्ट एलिमेंट क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 0 होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो भी आपका फाइनल एरे होगा उसका लास्ट एलिमेंट या तो 2 होगा या तो 0 होगा, क्यों? अगर आप इसको चेंज नहीं करते हो तो ये 2 रह जाएगा, अगर आप इसको चेंज करते हो तो ये 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा, मान लो आप उसको चेंज नहीं करते हो, ठीक है, चेंज नहीं करते, तो आप प्रैक्टिकली बताइए, अगर आप इसको चेंज नहीं करते तो ये इसका एरे कभी बन ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि तो अगर आप इसको चेंज नहीं करोगे, ठीक है, ये 2 है, इधर भी 2 है, आप 2 को चेंज कर ही नहीं रहे, अगर आप 2 को चेंज करोगे तो 0 होगा ही होगा, आपके दो केस जा, तो इसको आप चेंज करो या तो नहीं करो। अगर आप चेंज बोलोगे मैं नहीं करता, नहीं करोगे तो जहां जहां 2 है वो तो वहां वहां रहेगा वैसे का वैसे, बाकी आप कुछ भी चेंज करो जहां जहां 2 है वहीं तो रहना ही वाला है। अच्छा, तो भैया इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, और आप 2 को चेंज नहीं करें, यानी कि बीच में सारा 2 होना चाहिए भाई, इधर मानो कुछ कुछ एलिमेंट था, तो मतलब जहाँ ये 2 है ये 2, इनके बीच के सारे एलिमेंट 2 होना ही चाहिए कम से कम, टू मेक इट इंक्रीजिंग, राइट। बट ऐसा तो नहीं है, बीच में और भी कुछ अलग अलग एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, इसको 0 बनाना पड़ेगा कंपल्सरी है। तो इस केस में अगर मानो इधर 2 नहीं होता, मानो इधर 2 नहीं होता, इधर लेट्स से आपका होता 7 कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं हाँ, देन यू कैन लीव इट विदाउट चेंजिंग, बट सिंस इधर भी 2 है तो आपके उसके ऑप्शन ही नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा इसको। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो बीच में सारा 2 होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, बीच में सब अलग अलग एलिमेंट है, आप अलग अलग एलिमेंट को 0 बना सकते हो, 2 नहीं बना सकते, तो द ओनली वे हियर इज यू हैव टू चेंज। अगर 2 नहीं होता तो यू कैन स्किप इट, बट इधर इस केस में आपको चेंज करना पड़ेगा, एंड सिंस आप 2 को चेंज करे हो 0 को, ठीक है, क्या कर सकते हो, 0 बना सकते हो, एंड अब सिंस ये एलिमेंट 0 हो गया, आपका एरे को इंक्रीजिंग बनाना है, तो आपका वर्स्ट मतलब दैट्स द एरे यू कैन मेक, ओके, ऑप्शन आपके सही नहीं, क्योंकि अगर एरे का लास्ट एलिमेंट जो कि हाईएस्ट एलिमेंट है वही 0 हो चुका है, तो बाकी सारे एलिमेंट 0 होना कंपलसरी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जितना भी यूनिक एलिमेंट्स एरे में है, दैट्स आंसर, एरे डॉट साइज, एरे यूनिक डॉट साइज, राइट, जितना भी यूनिक एलिमेंट, क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो बाकी जो भी एलिमेंट सबको 0 होना ही पड़ेगा भाई, सो दैट यू कैन गेट योर आंसर। ये तो आई थिंक ये केस आपको समझ में आ गया। मानो भैया इधर 2 नहीं, इधर 7 होता, ठीक है, पर 2 तो अभी एक ही है भैया, तो हम 2 को नहीं चेंज करते, ठीक है, मत करो, फाइन, इसको ऐसे रहने दो। अब प्रीवियस एलिमेंट को देखो, ये 5 है भाई। अच्छा, आप बोल रहे हो आप 2 को चेंज नहीं करोगे, नहीं करेंगे, तो ये 5 जो है ये क्या होना चाहिए, ये 2 से छोटा, अगर आप 2 को चेंज नहीं करोगे, ऑब्वियस बात है, और 2 अगर है नहीं तो हम चेंज क्यों करें बेकार में, राइट, तो ऑपरेशन मैक्सिमाइज करें अगर इसको हम चेंज करें, तो अगर मजबूरी नहीं है तो नहीं करेंगे हम, तो हम देखेंगे इसके पहले एलिमेंट क्या है, अगर इसके पहले मान लो 1 होता तो हम बोल सकते हैं हाँ सही है, आ जाओ इसके पास, ये सही है, सेफ जोन में, एंड देन फिर सेम ऑपरेशन इस पे करेंगे, राइट, तो ये तो आपका फिक्स हो गया, ये एलिमेंट 1 है, आप पुराना अगेन ये एरे देखोगे और इसमें कहीं भी अगर 1 आ रहा है सेम चीज, तो मतलब इसको कहीं भी अगर 1 आ रहा है तो इसका आपको 0 करना पड़ेगा, एंड ये भी 0 का, इस एरे में जितना बचा हुआ एलिमेंट में जो एम्प्टी डॉट साइज होगा, एरे का साइज जो भी होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ये कॉमन सेंस है, राइट। और अगर मान लो ये 1 एलिमेंट 1 नहीं है, मान लो ये 5 है, आप 2 को तो चेंज नहीं कर रहे, बट ये एरे इंक्रीजिंग होना चाहिए भाई, तो इधर 5 कैसे आ गया, तो मतलब इसको चेंज करना कंपल्सरी है, अगर इसको चेंज करना कंपल्सरी है तो आप चेंज करके 0 बना सकते हो, अगेन दिस एरे में भी, इस एरे में जितना भी यूनिक एलिमेंट है दैट्स योर आंसर। मेरी बात समझ में आई, मैं बोला आप पहले लास्ट एलिमेंट पे जाइए, देखिए वो क्या है, वो एक्स है मान लो आपका पूरे एरे में, और एक्स आ रहा है कहीं ना कहीं एक जगह आया है, इसका मतलब क्या हो गया, सिंस एक्स एक जगह आया है तो बीच का सारा एलिमेंट एक्स होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट एक्स कहाँ आया है, यहाँ पे आया है, बीच में सारा एक्स तो है नहीं, और तो यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ सकता, तो आपको मजबूरी है इसको 0 करना है, सिंस इसको 0 करोगे तो सारा एलिमेंट 0 करना पड़ेगा इसके पहले का, तो ये एरिया में जितना यूनिक एलिमेंट है दैट इज आंसर, दैट वॉज वन केस। मैं और एक बार अगर ठीक है इधर एक्स और कहीं भी एक्स नहीं आया तो फाइन, हम देखेंगे ये एलिमेंट भाई तो क्या है, अगर ये एलिमेंट इससे छोटा है तो
तो सही बात है भाई, देन वी कैन ट्रीट दिस एज एन इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। अगेन जो क्वेश्चन ये था वैसे ये भी क्वेश्चन है, एंड अगेन आप वही चीज़ इस पे अप्लाई करोगे, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया, ये तो चेंज होने वाला है नहीं, और ये एलिमेंट इससे छोटा ही है। अब आप इसको या तो चेंज करो, अगर ये और के रिपीट हुआ है, मतलब मानो ये वाई है और इधर भी कहीं वाई है, तो अगेन दैट्स इसको भी जीरो करना पड़ेगा, तो ये एलिमेंट यूनिक एलिमेंट है, दैट्स आंसर। बट अगर ये एलिमेंट एक ही बार आया, देन अगेन आप प्रीवियस चेक करोगे, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो ये आपको समझ में आया होगा। बट मानो इधर जो एलिमेंट वाई है वो एक्स से बड़ा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर वाई एक्स से बड़ा है तो कैसे पॉसिबल है यार, सॉर्टेड नहीं हो सकता, तो आपको मजबूरी है इसको जीरो करना। एंड सिंस अगर आप इसको जीरो कर रहे हो तो बाकी जितना भी एलिमेंट है सबको जीरो करना ही पड़ेगा, बस यही इतना ही क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बस करना है आपको। लास्ट एलिमेंट देखते हैं, अगर वो एरे में और कहीं आया है तो पूरे एरे में जितना यूनिक एलिमेंट है डेट इज आंसर, अगर वो एरे में कहीं भी नहीं आया और तो ठीक है उसको सेफ जोन में रखेंगे, उससे प्रीवियस वाला रखेंगे, अगर वो उससे बड़ा है तो मतलब उसको जीरो करना कंपलसरी है टू मेंटेन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो जीरो होगा तो पूरा एरे जीरो हो जाएगा, उसका प्रीवियस वाला ये वाला एरे, तो उसमें आप देखोगे भाई कितना यूनिक एलिमेंट है, डेट्स आंसर। अगर इससे छोटा है भाई देन दिस इज अ न्यू क्वेश्चन सेम, अब आप इसको नया क्वेश्चन सोचो कि ये सेम क्वेश्चन है विद दिस इज द लास्ट एलिमेंट, क्योंकि ये तो आप इस कंडीशन में सेफ गार्ड करिए, क्योंकि ये वाई जो है एक्स सिंस एक्स से छोटा है अभी तो, और ये बड़ा कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि इसको आप जीरो कर सकते हो तो वाई रहने दोगे, तो ये कंडीशन मेंटेन रहेगा। बाकी आप इसमें जो करना है सेम ऑपरेशन रिपीट करते करते चलोगे, फॉर लूप लगा सकते हो। एक बार मैं कोई इटरेशन कर देता हूँ, आप समझ जाएंगे बेटर, ठीक है। लेट्स से हियर कोई भी एग्जाम्पल दे दो, 4 1 5 3 2, अच्छा 2 भैया, 2 तो और कहीं भी नहीं है, नहीं फाइन भैया, अच्छा अब 2 से पहले क्या आता है 3, 3 2 से बड़ा है, हाँ तो पॉसिबल नहीं है, इसको जीरो करना, दैट्स ओनली ऑप्शन। तो सिंस इसको जीरो करेंगे तो ये पूरा एरे को जीरो करना पड़ेगा, इस एरे में जितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट दैट इज द आंसर, 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, आंसर हो जाएगा 4। देखिए और 2 4 1 2, कॉमन सेंस में इधर 2 है भैया, इधर भी 2 आया है, तो मतलब ये पूरा एरे को जीरो एरे बनाना पड़ेगा, कितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है 1 2 4, 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। आई थिंक इट्स क्लियर राइट, एक बार कोड देख लेते हैं आप समझ जाएंगे बेटर सब चीज, ठीक है। ओके फाइन, आई थिंक कोड आपको दिख रहा होगा आप सबको, ठीक है ये रहा। तो मैं क्या के मैप बना लिया, तो टोटल काउंट ऑफ ईच वन राइट, अब लास्ट से स्टार्ट किया, मैं बोला लास्ट एलिमेंट मान लो 3 है, और जितना भी 3 है लगातार उसको स्किप करना है, एक ही बात है भाई, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन्ड है, कोई लगातार जितना भी नंबर है सबको स्किप कर दिया, मैप से माइनस कर दिया। अच्छा अब मैं आया मानो इधर, अब 3 एक्ट हुआ है इस पर आया, अब मैं बोल रहा हूँ भाई इसको मैप से रिमूव कर दो, जो एलिमेंट पे अभी मैं हूँ रिमूव कर दिया, इसका काउंट 0 हो गया और ये एलिमेंट है नहीं तो उसको मैप से इरेज कर दो बस। अब मैं देख रहा हूँ, अब मेरा तरीका क्या था सॉल्व करने का, 2 4 1 3 5, मान लो ये 5 है तो मैं देखूंगा और कहीं 5 है कि नहीं, तो अगर और कहीं 5 है इस मैप पे मतलब ये पूरा एरे को जीरो बनाना पड़ेगा, तो जितना काउंट एलिमेंट के दैट्स आंसर, सी और टेम्पी डॉट से रिटर्न सिंपल। अच्छा अगर मैं बोल दिया कि और कहीं उसका काउंट नहीं है, उसका काउंट और कहीं नहीं है, मतलब लास्ट एलिमेंट जो भी आपका वो यूनिक और नहीं है ये पहला एलिमेंट मान लो, तो आप क्या बोलोगे भाई इसका प्रीवियस एलिमेंट को देखोगे, प्रीवियस एलिमेंट अगर इससे बड़ा है तो दिक्कत है भाई, ये बड़ा है तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा, तो मतलब ये एरे में जितना यूनिक है दैट्स आंसर, तो अगेन उसमें जितना भी यूनिक है दैट्स आंसर मैप डॉट साइज, क्योंकि इसको तो डिलीट कर चुका हूँ मैप से मैं, सारे यूनिक एलिमेंट ही बचे हैं दैट्स आंसर, और क्या, और नहीं तो आप इटरेशन कंटिन्यू करो भाई, क्योंकि अगर ये 2 है इस केस में तो फाइन है, अगर ये 5 होता तो हम इधर हिट करते हैं एंड आंसर हमारा आ जाता, बट इस केस में ये 2 है तो ये छोटा है इट्स फाइन, अगेन अगर 2 रीट्रेट ऑन दिस एरे, ये अपना नया क्वेश्चन हो गया, अगेन द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड, जो मैं बोला वही इधर लिखा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बैक करके देख लेना भाई, समझ जाओगे, कोई टफ नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप एंड डिस्कॉर्ड सर्वर, ठीक है, डिस्कॉर्ड सर्वर को भी हम लोग एक्टिव कर चुके हैं अभी, एंड अगर मैं कहीं फेल कर गया अच्छे से समझाने में तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम, तब तक आप गाइस ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, कीप कोडिंग कीप लर्निंग, जय हिंद।